हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज देखिए हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी क्या होता है? त्रिकोणमिति। यानी क्या पता चला? ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। और गोनो का मतलब क्या होता है? कोण। और मैट्री का मतलब क्या होता है? माप। यानी आप क्या देखें, त्रि मतलब तीन, कोणों मतलब क्या हो गया, यहाँ से कोण और मिति का मतलब माप हो गया। यानी क्या बात की हम, तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं? यहाँ से त्रिकोण मिति कहते हैं। आज देखिए इसमें हम आज ज़्यादा कोई विशेष बातचीत नहीं करेंगे, आज डायरेक्ट चलेंगे केवल सिलेबस पर। अब देखिए यहाँ से कहा गया है, जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादे को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कूड़े नहीं हुआ करते। जीवन में संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फूलों का हिफाजत कांटे ही करते। माली तो बहुत बाद में आता है, रिकॉर्ड तो वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने का जुनून दौड़ता है। तो इसी जोश मोटिवेशन के साथ चलिए यहाँ से देखते हैं, आप इसी मोटिवेशन से आप अगर इम्प्रेस हैं तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, और इस वीडियो को दबा करके लाइक शेयर कीजिए ताकि मज़ा आए, हमें भी मज़ा आए और आपको भी मज़ा आए, आपको पढ़ने में मज़ा आए, हमें पढ़ाने में मज़ा आए, ताकि क्या होगा, दोनों आदमी का यानी काम होगा। तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या बात करेंगे, यानी तीन कोणों की। जब भी यहाँ से देखिए तीन कोण आ गया, अब आपको फिगर देखना है, यानी ऐसा तीन कोण आ गया, यानी क्या होगा जब भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ से तीन कोणों का मतलब ये नहीं है कि आप किसी प्रकार का फिगर हो, क्या हो, किसी प्रकार का। यानी त्रिकोणमिति में क्या बात करेंगे, हमेशा हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पर बात करेंगे। अब समकोण त्रिभुज में क्या सब कंडीशन है देखिए यहाँ से, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है। क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ से जैसे क्या है, 90 डिग्री, यानी क्या है, एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर खड़ा। तो क्या हो गया, 90। और देखिए यहाँ से इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। यानी इसको हम क्या करते हैं, केस सूचित कर लेते हैं, यानी कर्ण। देखिए कितना मज़ा आएगा आपको, अभी क्या हो गया, यहाँ से समकोण के सामने क्या हो गया, कर्ण। अब देखिए यहाँ से अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये लंब है कि आधार है, या लंब ये भी हो सकता है और ये भी आधार हो सकता है। तो अब क्या है, यहाँ से पहले हम यहाँ से मानेंगे थीटा। जब इस कोण को मानेंगे थीटा, तो क्या होगा, इसके सामने वाला भुजा यानी लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। इसी को क्या कहते हैं? सम्मुख भी कहते हैं। इसको हम किससे सूचित करेंगे? एल से सूचित कर देते हैं, लंब। और इसको क्या करते हैं? आधार। अब क्लियर हो गया, लंब है, कर्ण हो गया, तो क्या होगा? आधार होगा। यहाँ से लिखेंगे आधार। अब देखिए यहाँ से इसको हम सूचित करेंगे ए से। और जब इसी को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये हाइपोटेनस एच, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, पी। और ये क्या हो गया, यहाँ से ए माने हैं इसको, तो बी हो गया, यानी बेस। यहाँ से क्या हो गया, बेस हो गया। क्या है, सभी बराबर है। तो आपने देखिए यहाँ से, यानी क्या, कितना निष्पत्तियाँ हैं, मात्र 6 निष्पत्तियाँ आपको याद करना, कितना करना है, मात्र 6। देखिए एग्जाम में कैसे गर्दा उड़ता है, जनरल कंपटीशन हो या क्लास 10th हो। यहाँ से देखिए तो क्या बात करेंगे, सबसे सिंपल आपने देखे यहाँ से 6 निष्पत्तियाँ क्या याद करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। मात्र देखिए आपको हम पहले तीन फार्मूला याद करवाएंगे। कोई भी वीडियो आप देखे होइएगा तो उसमें सीधा आपको पढ़ाया होगा पी बट्टे एच ऐसे करके, लेकिन हम आपको वे नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, इससे भी गजब का ट्रिक पढ़ाने जा रहे हैं। हमने इसको मॉडिफाई करके फार्मूला को क्या किया है, फार्मूला तैयार किए हैं। आपको देखिए यहाँ से रखना है याद, लाल बट्टे क्या रखना है, कक्का। क्या याद रखना है? लाल बट्टे कक्का, सबसे सिंपल। देखिए यहाँ से लाल बट्टे कक्का के लिए इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से लंब क्या हो गया, लंब बट्टे क्या हो गया, कर्ण। क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। इसी को हमने क्या लिखेंगे, एल बाय के। देखिए यहाँ से लंब बटे कर्ण हो गया, यहाँ से क्या, लंब बटे कर्ण क्या हो गया, एल बाय के, इतना याद रखना है। फिर आधार के लिए क्या होगा, ए बाय के यहाँ से। और देखिए यहाँ से जब टेन के लिए बात करेंगे तो क्या होगा,
यहाँ से लंब बटे क्या होगा आधार, यानी एल बाई ए होगा, यानी लंब बटे क्या होगा आधार। आप देखिए यहाँ से तीन फार्मूला आपको याद रखना है मात्र, और जब क्या करेंगे तीनों फार्मूला को हम उल्टा कर देंगे। टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, यहाँ से क्या होगा ए बाय, देखिए यहाँ से एल हो जाएगा, फिर यहाँ से कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, जब सेक थीटा होगा देखिए यहाँ से तो क्या होगा के बाय ए, मज़ा आ रहा होगा। यहाँ देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, इसको क्या करेंगे लिखेंगे के बाय एल, यहाँ से आप समझ गए। तो लाल बट्टे कक्का के लिए देखिए यहाँ से एक बार क्या करेंगे, यहाँ से लाल बट्टे कक्का एक बार सीधा चलेंगे, अब देखिए एक बार इसी को क्या करेंगे उल्टा चलेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे कक्का बट्टे लाल, क्या लिखेंगे कक्का बट्टे लाल लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से प्यारे साथियों आप लोग से गुजारिश है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ से जब पढ़ाने के लिए चलते हैं, जब पढ़ाने में मज़ा आता है क्या होता है, गाड़ी रोड पर चलती है उसका आवाज़ इंक्लूड होने लगता है, कई लोग पैदल चलते हैं उनका भी आवाज़ इंक्लूड होने लगता है, जब बोलते चलते हैं कुछ कभी गाड़ी बक देते हैं क्या होता है हम डिस्टर्ब हो करके पढ़ाना रुक जाते हैं, उसके बाद वीडियो शूट करते हैं। तो आप लोग से गुजारिश है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जब सेटअप अपना तैयार कर लेंगे पूरा तो मज़ा से पढ़ाने में मज़ा आएगा, यानी हमको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। हम कुछ बात कर लेते हैं इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये हो गया छः के छः, याद करने में कितना देर लगेगा मिनटों का हम सेकेंडों में। अब देखिए हम बात करते हैं कुछ इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला, जब इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में बात करेंगे यानी क्या बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। जब पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात करेंगे देखिए यहाँ से क्या हो गया, यानी कर्ण हो गया। देखिए इसका ट्रिक, आपको ट्रिक भी चाहिए तो हम मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, आप उसका आसानी से निकाल सकते हैं ट्रिपलेट कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, कर्ण हो गया के, यानी इसी को एच माने थे, इसको क्या माने थे एल को पी माने थे, यहाँ से ए को क्या माने थे बी। देखिए यहाँ से एक कुछ हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात कर लेते हैं फार्मूला के, तो यहाँ से पाइथा क्या लिखेंगे पाइथागोरस, गोरस प्रमेय का फार्मूला देखिए यहाँ से क्या है इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो त्रिकोणमिति में क्या है रामबाण साबित होने वाला, तो यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट कर्ण स्क्वायर, आप पढ़े हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है लंब स्क्वायर और प्लस क्या पढ़े हैं आधार स्क्वायर। देखिए यहाँ से मात्र क्या करना है आपको ये फार्मूला याद रखना है सीधा, देखिए यहाँ से कर्ण जब लिखेंगे तो क्या बात करेंगे यहाँ से इधर स्क्वायर हटाए हैं तो इधर क्या होगा रूट चढ़ेगा यानी स्क्वायर रूट, तो यहाँ से बात करेंगे क्या यानी लंब का स्क्वायर रूट के अंदर और प्लस क्या होगा आधार का स्क्वायर। देखिए यहाँ से तो क्या करेंगे आप डायरेक्ट हम यहाँ से दिया गया है इसको कर्ण लिखे थे, ये क्या है लंब और ये क्या है आधार। देखिए हम इतना नहीं लिखेंगे एक बार में डायरेक्ट क्लियर करेंगे, यहाँ से इसको माने थे 90 डिग्री और ये क्या था थीटा, अगर आपको थीटा ये दिया रहेगा तो ये हो जाएगा लंब और क्या हो जाएगा ये आधार हो जाएगा, थीटा जहाँ रहेगा थीटा के सामने वाला क्या होगा लंब और जो रेस्ट बचा वो क्या होगा आधार होगा। और जब यहाँ से समकोण त्रिभुज, जब समकोण यहाँ एंगल रहेगा उसके सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण होता है, हमेशा आपको याद रखना, वैसे भी आप याद रख सकते हैं जब यह त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होगा वो क्या होगा कर्ण होगा। तो देखिए यहाँ सबसे सिंपल, तो देखिए इसी को हम आसानी से क्या लिख सकते थे एच स्क्वायर बराबर क्या पी स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, जब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा रूट चढ़ाएंगे, देखिए यहाँ से मज़ा आ जाएगा क्या होगा यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटाए तो क्या चढ़ा इधर रूट चढ़ गया। फिर देखिए यहाँ से जब बात करेंगे यहाँ से पी बराबर, जब p के लिए हम पी स्क्वायर के लिए बात करेंगे तो क्या होगा एच स्क्वायर और माइनस क्या होगा बी स्क्वायर, जैसे यहाँ देखिए p को छोड़ दीजिए आप इसको b को इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में, अब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे उधर रूट चढ़ाएंगे, स्क्वायर हटा दिए तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर, मज़ा आ रहा है। अब देखिए उसके बाद बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे, बी को छोड़ेंगे जब पी को इधर ले आएंगे पी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में,
तो यहाँ से लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस क्या हो गया आपका यहाँ से पी स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा रूट चढ़ाएंगे। देखिए यहाँ से क्या होगा एच स्क्वायर माइनस क्या होगा पी स्क्वायर। मजा आ रहा होगा। कहा गया जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो, अगर रात हो तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है, बस खुद पर भरोसा और वक्त पर एतबार है। तो आपको जितना ही मैथ क्या है भारी लग रहा था उतना ही क्या है आसान हम बना देंगे इसको। तो मैथ से आप बिल्कुल डर आपको समाप्त तो हो गया होगा, ये त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है और इसके बारे में हम जानेंगे विशेष रूप से। कहा टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलती, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुनून कभी रोशनी के मोहताज नहीं होती। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या दिया गया है, जैसे आपको यहाँ से लेना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, देखिए यहाँ से एक बट्टे कोसेक थीटा क्या होता है, वन बट्टे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के बारे में बात करेंगे, जब कोसेक थीटा बराबर क्या होगा वन बाय साइन थीटा होगा, एक दूसरे का उल्टा। उसके बाद देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जब इसको इससे गुना करेंगे इसको इससे तो क्या होगा, यहाँ से साइन थीटा इंटू क्या होगा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा वन होगा। आप एक फार्मूला से देख लिए, यहाँ से दो फार्मूला अपने जनरेट हो रहा है, उसी प्रकार से क्या करेंगे हम फिर देखेंगे यहाँ से किसके साथ कॉस के साथ, कॉस थीटा बराबर क्या होगा एक बट्टे सेक थीटा। अभी हम क्या करेंगे सभी को हम बारी बारी से सिद्ध करके दिखाएंगे, हम एक को सिद्ध कर देंगे तो आप लोग कर लीजिएगा सारे को सिद्ध। तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे फिर सेक थीटा, जब सेक थीटा बराबर क्या होगा एक बट्टा यहाँ से कॉस थीटा। देखिए यहाँ से फिर क्या करेंगे इसके बट्टा हम कुछ नहीं तो वन, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू क्या लिखेंगे सेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे वन लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से इसी प्रकार से फिर क्या करेंगे टेन के साथ बात करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे वन बट्टे कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा टेन थीटा बराबर वन बट्टे कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा वन बट्टे टेन थीटा। देखिए यहाँ से मज़ा आने वाला है, आप केवल पहले फार्मूला को देख लीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ से जब हम आपको सिद्ध करके बताएंगे जे टेन थीटा बराबर वन बट्टा कॉस थीटा का है हुआ, वन बट्टा साइन थीटा क्यों नहीं हुआ, हम सभी को सिद्ध करके बताएंगे जितना बराबर ये है और इसके बराबर ये है या नहीं है। तो आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए, जो सारा एग्जाम्पल के साथ हम आपको एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन हम डील करवाएंगे। तो देखिए यहाँ से आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से टेन थीटा इंटू क्या होगा कॉट थीटा बराबर क्या होगा वन। आप देख लिए यहाँ से मात्र आपको कितना फार्मूला याद रखना है, तीन फार्मूला याद रखना है, एक दो और क्या हो गया तीन। अब तीन को फार्मूला से क्या हुआ देखिए यहाँ से दो चार या दो छः को फार्मूला अपने जनरेट हो रहा है, यानी आप तीन को किया छः को जनरेट हो रहा है तो क्या हो गया नौ को फार्मूला हो गया। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे, जब सिद्ध करेंगे आप पढ़े थे फार्मूला, देखिए यहाँ से साइन थीटा के लिए क्या पढ़े हैं इससे पहले निष्पत्तियाँ, जब हम क्या किए थे छः को जब हम फार्मूला बताए थे फर्स्ट वीडियो में तो क्या लिखे थे इसके साइन थीटा बराबर क्या पी बटा एच, पी बटा एच पढ़े थे, इसी को क्या पढ़े थे एल वाई के पढ़े थे, एल वाई क्या पढ़े थे के। छः निष्पत्तियाँ जब पढ़ाए थे वहाँ उसमें आप देखे थे क्या हो गया लाल बटे कक्का वाला फार्मूला से, यानी क्या हो गया लम बटे यहाँ से कर्ण हो गया, आप ये देखे थे फार्मूला। इसी पर देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ चल के आएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे आर एच एस से क्या लिखेंगे आर एच एस, जब आर एच एस से बात करेंगे देखिए यहाँ से, तो यहाँ से आर एच एस यहाँ से चलेंगे, इसका उल्टा में क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा, देखिए यहाँ से कोसेक थीटा करना है तो इसको क्या करेंगे उल्टा कर देंगे उल्टा। आप देख लीजिए यहाँ से क्या करना है इसी को आप उल्टा आसानी से कर सकते हैं,
इसके बराबर यहाँ आप लिख दीजिए पी बटा क्या होगा, यहाँ एच बटा पी फॉर्मूला। अब देख लीजिए यहाँ से एक बट्टे क्या करेंगे, गुना में दिया गया है यहाँ से, इसको क्या करेंगे प्लेट के भाग में ले जाएंगे, क्या हो रहा है पी बट्टे का एच हो रहा है। देखिए यहाँ से इसी बराबर तो साइन है यहाँ लिखा हुआ, यहाँ से क्या हो गया साइन थीटा। अब इसी प्रकार से सभी को सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से हम देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन क्यों हुआ, बराबर वन होता है तो वन क्यों हुआ, वहाँ टू क्यों नहीं हुआ जो वन हुआ, तो उसको हमने सिद्ध करके दिखाएंगे ये वन कैसे आया। तो आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को छोड़ के भागिएगा नहीं, मज़ा आ जाएगा। देखिए यहाँ से, यहाँ से देखिए सिद्ध हो गया एल एच एस, जब आर एच एस से हम चल के एल एच एस तक पहुँच गए, उसी प्रकार से आप सारे को सिद्ध करके देख लीजिएगा, जहाँ आपको प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ से देखेंगे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है क्यों। तो देखिए हम इसका भी सारे फार्मूला को हम बता देते हैं ढील करके ये कैसे आया, मात्र आपको फार्मूला याद इसमें कैसे रखना है इतना। यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन, एक फार्मूला हो गया। यहाँ से फार्मूला से फार्मूला, आपको फार्मूला एक भी रटना नहीं है, एक भी फार्मूला क्या करना है रटना नहीं है। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम क्या करते हैं, पहले आपको फार्मूला बता देते हैं उसके बाद इसको क्या करेंगे साबित करेंगे। तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला याद रखिएगा, देखिए यहाँ से कैसे फार्मूला से फार्मूला जनरेट करते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे वन, इधर देखिए प्लस में कॉस स्क्वायर, उधर जाकर क्या होगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए क्या हो गया, एक फार्मूला और हो गया। उसी प्रकार से क्या इसको लिखेंगे, अब देखिए यहाँ से यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा रूट चढ़ाएंगे, वन माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या किया है स्क्वायर हटाया है तो इधर क्या किया है, यह स्क्वायर हटाया इधर रूट चढ़ा दिए। फिर देखिए यहाँ से कॉस के लिए लिखेंगे, जब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे वन माइनस, यहाँ वन रहेगा इधर साइन माइनस में, यहाँ देखिए प्लस में दिया गया उधर जा क्या होगा माइनस में, यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या होगा रूट चढ़ेगा, बराबर क्या लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने क्या देखे, यहाँ एक फार्मूला याद किए, यहाँ से आपको क्या होगा चार फार्मूला अपने आप जनरेट हो रहा। उसी प्रकार से देखिए हम क्या करेंगे अगला भी देखेंगे, अगला क्या देखेंगे, देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है वन, सभी को हम सिद्ध करके दिखाएंगे आपको। इसी से क्या करना है आपको चार फार्मूला और जनरेट करना है। यहाँ देखिए कैसे, तो यहाँ से सेक स्क्वायर को रहने देंगे वन, इधर टेन माइनस में है स्क्वायर तो उधर जा क्या होगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला जनरेट हो गया, जनरेट हो गया। अब क्या करेंगे दूसरा फार्मूला जनरेट करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे क्या होगा रूट चढ़ाएंगे, इधर वन प्लस क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से क्या करेंगे आगे भी बढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ से इसी को लिखेंगे हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस में, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में, एक के बार हम क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा रूट चढ़ेगा। तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। आप देखिए यहाँ से क्या है, एक फार्मूला याद करते हैं तो क्या होता है चार फार्मूला अपने आप जनरेट होता है। तो फिर देखेंगे इसका हम एक फर एक कंसेप्ट और देखेंगे, तो देखिए यहाँ से क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा वन, इसका क्या करना है। तो देखिए इसका भी चार फार्मूला जनरेट होगा, चार फार्मूला जनरेट करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कैसे इधर क्या है
यहाँ कॉट क्या है माइनस में, उधर जा क्या होगा प्लस में। फिर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे, इधर स्क्वायर हटाए तो उधर क्या होगा रूट चढ़ेगा, वन प्लस क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। फिर देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉट कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे उठा के चिन्ह के साथ जाएगा तो क्या होगा प्लस में, इसको उधर लाएंगे तो क्या होगा, इधर लाएंगे तो क्या होगा ये माइनस में होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। फिर इसको क्या लिखेंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे हम, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे, तो देखिए यहाँ से कॉट थीटा बराबर क्या होगा स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या होगा वन। यहाँ से आप यानी क्या है स्टार वाला जितने भी फार्मूला है सारे आपको याद रखना है, इसी से क्या होगा एक फार्मूला याद कीजिए, चार फार्मूला अपने आप क्या होता है जनरेट होता है, जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादे को उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो देखिए यहाँ से प्यारे साथियों अब क्या करेंगे, इस फार्मूला को हमने सिद्ध करेंगे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट कहते हैं जो वन होता है, हमें कहेंगे नहीं होता है वन, तो क्या करेंगे पहले जब तक हम सिद्ध करके देखेंगे नहीं वन होता है कैसे, तब तक हम क्या करेंगे इसको कैसे विश्वास करेंगे कि वन होता है। तो देखिए आज हम इसको चल के बताते हैं कि कैसे होता है वन, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग मैथ स्टार चैनल के माध्यम से जो भी कुछ सीखे हैं यहाँ से तो आप लोग का सपोर्ट करने का इरादा बनता है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए जब पढ़ाने के लिए चलते हैं तो क्या होता है गाड़ी आकर के डिस्टर्ब कर देती है रोड पर, क्या सेटअप उतना है नहीं, तो आप लोग से गुजारिश है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ से देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो कैसे आप देखिए यहाँ से पढ़े थे डायरेक्ट साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं पी बट्टे का क्या पढ़े हैं एच, कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं बी बट्टे का क्या एच, साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच कॉस थीटा बराबर बी बट्टे एच हो गया। अब क्या करेंगे एल एच एस से चलेंगे, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे इससे जब हम चलेंगे क्या लिखे एल एच एस यानी क्या हो गया इसका फुल फॉर्म, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी क्या होगा बायां पक्ष से चलेंगे दाहिना पक्ष की ओर आर एच एस राइट हैंड साइड की ओर। तो देखिए यहाँ से साइन थीटा बराबर यहाँ से डायरेक्ट पुट कर दीजिए, साइन थीटा को क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे पी या बट्टे एच, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर प्लस क्या लिखेंगे कॉस के लिए क्या लिखेंगे बी बट्टे का एच, बी बट्टे क्या लिखेंगे एच, इसका क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप क्या लिखिएगा इसको पी स्क्वायर और बट्टे क्या लिखेंगे एच स्क्वायर, जब पूरा पर स्क्वायर दिया गया फिर प्लस क्या लिखेंगे इसको बी स्क्वायर या बट्टे क्या लिखेंगे एच स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे, जब दोनों का एलसीएम लेंगे क्या होगा एच स्क्वायर, और जब इस एच स्क्वायर में इस एच स्क्वायर से भाग देंगे तो वन होगा, वन को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा पी स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक से क्या है बिल्कुल बेसिक से मज़ा आ जाएगा, कितनों भी कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हो अगर उन्हें अगर मैथ समझ में नहीं आया बिल्कुल तो फिर हम मुझे कमेंट करके एच स्क्वायर में क्या करेंगे एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्या होगा वन, वन को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर। आप क्या फार्मूला पढ़े थे जब हम आपको पढ़ाए थे पाइथागोरस प्रमेय के लिए, पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ाए थे एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर या प्लस क्या पढ़ाए थे बी स्क्वायर, यानी क्या हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या करेंगे इस पूरा को हटा करके यानी इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे एच स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे एच स्क्वायर बट्टे क्या होगा यहाँ से एच स्क्वायर, यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया या कहिएगा तो यहीं लिख देंगे एच स्क्वायर बट्टे क्या होगा एच स्क्वायर, इस पूरा के जगह पर क्या लिखे हम एच स्क्वायर, दोनों कट के क्या होगा वन होगा। देखिए यहाँ से क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। आपको जब कहा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है और कोई कहेगा नहीं वन नहीं होता है उसको सिद्ध करके दिखाना है तो आप आसानी से दिखा लीजिएगा। यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और आप लोग से गुजारिश है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।